डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा टीचिंग यू अ बॉटनी एंड दिस पेपर इज द सेकेंड पेपर ऑफ द योर सिलेबस एंड टूडे वी विल स्टडी द मॉडर्न स्टडी मॉडर्न ट्रेंड्स इन द प्लांट टैक्सोनॉमी एल्फा एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी। ये आपका सिलेबस है जिसका पेपर सेकेंड में ये चलता है और ये हम ले रहे हैं यूनिट सेकंड के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिख रहा है कि मॉडर्न एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी, ब्रीफ हिस्ट्री हमने पढ़ लिया था, एम्स एंड फंडामेंटल कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। अब हम ले रहे हैं इसी से रिलेटेड अल्फा टैक्सोनॉमी एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी। देन इसके बाद बाकी के टॉपिक टैक्सोनॉमिक की और टैक्सोनॉमिक लिटरेचर आदि हम लेंगे। प्लांट की लाइफ साइकिल इस तरह से है, प्लांट का स्ट्रक्चर जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वो इस तरह से, फ्लावर होता है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, पड है, इस तरह से फ्लावर के ये पार्ट होते हैं। रूट के अलग अलग संरचनाएं हैं, नोड्स का अलग स्ट्रक्चर है, स्टेम का अलग, फ्लावर का टैक्सोनॉमी में बहुत ज़्यादा योगदान होता है जिसको हम करते हैं, ऐसी तरह से फ्रूट्स का है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें वेरिएशन है, इसी के आधार पर क्लासिफिकेशन बेस होता है कि किसको उनको क्लासीफाई करा जाए। तो जैसे जैसे खोज होती गई साइंस के फील्ड में, अलग अलग मीटिंग्स में, अलग अलग कॉन्फ्रेंस में, अलग अलग एसोसिएशन में, सेमिनार में, टैक्सोनॉमी के अलग अलग ट्रेंड सामने आए और देन फिर अभी के स्टेटस की हम चर्चा करेंगे। प्लांट क्लासिफिकेशन को तीन तरह से कहा जाता है। अल्फा टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर हम मॉडर्न मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन करते हैं, जिसमें एफिनिटीज़ और इंटर रिलेशनशिप सेपरेट ग्रुप की शामिल करी जाती है स्पेसीज़ की, मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ध्यान रखें। दूसरा टर्म लिया है गामा टैक्सोनॉमी का टैक्सोनॉमी टर्म, यह मुख्य रूप से डिस्क्रिप्शन तथा इंटर रिलेशनशिप और इवोल्यूशन जो एक स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज में होता है उसमें शामिल कर रहे हैं। मॉडर्न जो है कहलाती है वो ओमेगा टैक्सोनॉमी कहलाती है, इसको मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, जिसके अंदर टैक्सोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोजियोग्राफी, साइटोजेनेटिक्स और फिजियोलॉजिकल कई एक्टिविटीज़ को भी शामिल करते हैं, जो कि मतलब उसमें इवोल्यूशन को समझाने में और ज़्यादा रोल प्ले करती है। बेंथमुकर क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, उसने इसी तरह से ये क्लासीफाई दिया करा। इसी तरह से एंगलर पेंटर का जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था वह इस तरह था कि नेचर में किस तरह से प्रेजेंट थे उसके आधार पर इन्होंने एंजियोस्पर्म को अलग अलग हिसाब से डिवाइड किया। देन फिर इवोल्यूशन के आधार पर जो है कॉन्क्रेस्ट ने दिया, जो कि इवोल्यूशनरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न प्लांट्स, इन्होंने ये वाला क्लासिफिकेशन दिया। देन तथांजन और हचिनसन के क्लासिफिकेशन भी इसी तरह से रहा, दहलग्रीन का एक क्लासिफिकेशन उन्होंने आगे दिया। एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप, एपीजी सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लासिफिकेशन इज द मॉडर्न एंड मोस्ट मॉलिक्यूलर बेस्ड सिस्टम ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द एंजियोस्पर्म फाइलोजेनिक ग्रुप। यह सबसे पहले पब्लिश हुआ 2008 में। करेंटली एपीजी का फोर्थ सिस्टम रिकॉग्नाइज करा गया, जिसमें 64 एंजियोस्पर्म ऑर्डर और 416 फैमिलीज है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर चार मोनोफाइलेटिक ऑर्डर को एक इनमें इनफॉर्मल मोनोफाइलेटिक हाइलेटिक ग्रुप भी बनाया गया, हाइट ग्रुप्स भी बनाया गया और इसी तरह से ये इनके क्लासिफिकेशन के हाई ग्रुप्स ये रहे, मोनोकोट्स, कोमेलिनोइड्स, यू डाइकोट्स, कोर यू डाइकोट्स और इसी तरह से रोजेट्स, यूरोसाइट्स, यूरोसाइट सेकेंड, एस्ट्रेट्स, यूरोस्टेराइट फर्स्ट, यूएस्टेराइट्स सेकेंड, इस तरह से ये एपीजी फाइलोजेनी बेस सिस्टम ये रहा। देन आता है अल्फा टैक्सोनॉमी जिसको हम ले रहे हैं। इट रेफर्स टू द बेसिक एंड प्रीलिमिनरी क्लासिफिकेशन, ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन द एक्सटर्नल बेस पे आधारित है। अल्फा जैसे ग्रीक शब्द हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, वो ग्रीक में एल्फिस का अल्फाबेट है, अल्फा मतलब वन, बीटा मतलब टू। तो इस तरह से शुरुआती जो क्लासिफिकेशन था जिसको हमने अल्फा टैक्सोनॉमी के टर्म नाम दिया है, इसके अंदर एम्पिरिकल अप्रोच फॉलो करी गई है और इस तरह से इसको क्लासिकल या ऑर्थोडॉक्स या फॉर्मल टैक्सोनॉमी टर्म काम में लेते हैं। इसके लिए अल्फा टैक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले ट्यूरी नामक साइंटिस्ट ने 1935 में दिया था और
इस फेजेस के अंदर एक्सप्लेनेटरी फेज, एक्सप्लोरेटरी फेज कर सकते हैं, इसमें कलेक्शन और सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशन शामिल है। सिंथेटिक और कंसोलिडेशन फेज जो होती है उसमें एक्सटेंसिव हर्बेरियम कलेक्शन है, फील्ड स्टडीज है और फ्लोरा प्रोपेयर किए जाते हैं, देन उससे मोनोग्राफ और डिटेल सिस्टम दिया जाता है। देखें अगर हम तो एंजियोस्पर्म की जो वनस्पति शास्त्र ब्रांच है, ये प्राचीन महत्वपूर्ण संदर्भ में अगर हम देखें तो सदियों से इसको हम प्लांट्स को हम काम में ले रहे हैं और पादप वर्गीकरण वैज्ञानिक के जो पौधे की पहचान करके उसके आकारिकी और मुख्य लक्षणों में ध्यान रखें। लेकिन जैसे जैसे हमने आकारिकी और अन्य लक्षण को साइंस का डेवलपमेंट होता गया तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे। और जो शुरू के था उसको हमने अल्फा टैक्सोनॉमी नाम दिया है, जैसा कि अभी अपने अर्लियर स्लाइड में भी देखा गया है, वो शुरुआती वर्गीकरण उस पर आधारित थे जिसके अंदर कैंडले, लेमियस और बेंथम हुकर का जो सिस्टम है वो सारे उसी पर आधारित रहे। बाद में जैसे जैसे खोज होती गई उनके और कैरेक्टर्स को शामिल करा गया, जो कि सेकेंड तरह की फेज जो कही जा सकती है, जिसके अंदर प्लांट के अदर कैरेक्टर्स को भी हमने शामिल करा गया, जिसमें प्लांट का वर्गीकरण, पहचान, नामकरण तो थे ही से। तो उस जो सेकेंड वाली फेज को हमने कहा गया बीटा टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन प्लांट्स और नेचुरल क्लासिफिकेशन ये इस तरह से रहा। देन फिर बाद की फेज आती है ओमेगा, अल्फा बीटा देन ओमेगा, इसको आधुनिक वर्गीकरण भी कह सकते हैं। परंपरागत वर्गीकरण में हमने जैसे बताया कि उन्होंने लक्षणों को देखा गया है और जो कि पूरी तरह से पर्याप्त नहीं कहे जा सकते, लेकिन जैसे जैसे खोज होती गई उसके अंदर हमने एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी और अन्य ब्रांचेज को भी शामिल करा गया, जिसको हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी शब्द भी कह सकते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, जिसमें इवोल्यूशनरी फाइलोजेनिक अप्रोच को भी हमने शामिल करा गया और इसके अलावा साइटोलॉजिकल जेनेटिक स्टडीज़ भी इसमें शामिल करी गई। इस तरह से ओमेगा टैक्सोनॉमी फेज को तीन फेज में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंथेटिक और एनसाइक्लोपीडिक फेज, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फेज, देन आजकल जो चल रही है न्यू टैक्सोनॉमिक टेक्निक्स वाली फेज है, जिसमें सिम्बायोसिस, हैबिटेट जो है उनका, फाइटोकेमिस्ट्री, क्रोमोसोम नंबर और इवन क्लोरोप्लास्ट डीएनए को भी कहीं जगह टैक्सोनॉमिक स्टडीज में शामिल करा गया है। इस तरह से ये मॉडर्न टूल्स के आधार पर जो क्लासिफिकेशन या सिस्टम कहा जाए वह बेसिकली ओमेगा टैक्सोनॉमी हम कहते हैं। थैंक यू।